अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई पुलिस का वाहन चालकों के लिए हेल्थ कैंप, सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजन। नवी मुंबई पुलिस एवं आरटीओ द्वारा वाशी के माथाड़ी भवन में वाहन चालकों की स्वास्थ्य जांच के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। नवी मुंबई मेडिकल एसोसिएशन एवं कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की मदद से आयोजित इस चिकित्सा शिविर में नवी मुंबई के सैकड़ों वाहन चालकों ने अपनी जाँच कराई। इस दौरान ट्रैफिक नियमों के पालन करने का आह्वान किया गया। पुलिस उच्चाधिकारी अरुण पाटिल एवं ट्रैफिक PI अभय महाजन ने बताया कि शिविर में ऑटो और ट्रक चालकों तथा बाइकर्स का मार्गदर्शन दिया गया, साथ ही उनकी ECG, रक्त जांच एवं आई चेकअप की गई। रास्ते पे गाड़ी तो रिक्शा वाले चलाते, ज्यादा रिक्शा वाले ट्रक वाले जो गाड़ी चलाते हैं उनका तबियत, मतलब उनकी जो तबियत है वो खास अच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी तबियत अच्छी रहेगी तो तुम गाड़ी अच्छे से चला सकते हो। अगर तुम्हें कुछ बीमारी है या मतलब तुम्हारा हाथ पाँव कांपता है गाड़ी चलाते वक्त, तो तुम गाड़ी बराबर नहीं चला सकते। इसलिए हमारा कोशिश है कि इसलिए इनके लिए मतलब ड्राइवर या चालक, रिक्शा चालक या ट्रक चालक के लिए ये शिविर रखा है हम लोग मेडिकल कैंप। और ऐसा नहीं, हमने और जगह पे दूसरी जगह पे हमारे पुलिस वालों को भी लिया है, आम पब्लिक के लिए भी कैंप रखा है मेडिकल कैंप। पिछले साल 15 दिन था, इस साल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से आया 7 दिन का। 12 तारीख का हमने ओपनिंग किया, 17 तारीख को हमारा क्लोजिंग है। तो थाना में अपना पहला नंबर आया है अपना, और इधर में अपना महाराष्ट्र स्टेट में 20% अपघात कम हो गया हमारा। रायगढ़ का भी हुआ है, जो हमारा उधर का रायगढ़ में आता है, बेलापुर से खारगढ़ से आगे, उसमें भी 20% कम आ गया। हर जगह तो पुलिस अवेलेबल तो हो नहीं सकती, लेकिन लोगों को भी ट्रैफिक रूल उन्होंने भी मतलब ट्रैफिक रखना चाहिए, उन्होंने ट्रैफिक रूल का क्या बोलते हैं उसको, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। और देखो, हम हर जगह पे हमारा सिग्नल है, अगर सिग्नल बोलते तो हम संबंधित कंपनियों को ये करके वो सिग्नल भी चालू करके लेते हैं, ऐसा नहीं है। नवी मुंबई के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हर यूनिट में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। हमारे 16 यूनिट है, 16 यूनिट के जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो हर एक प्रकार का कार्यक्रम लेते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप है, बाइक रैली है, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, या हेवी व्हीकल्स को रिफ्लेक्टर लगाना है, ट्रैफिक ऑटो रिक्शा को स्टिकर लगाना है, पैम्पलेट बांटना है, ऐसे और अलग अलग में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ ये माथाड़ी भवन में एक ब्लड डोनेशन कैंप, और जो रिक्शा ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, और जो स्टाफ है उनके लिए ये मेडिकल चेकअप चलता रहता है, क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो उनको मालूम नहीं रहता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और वो दिन भर काम करते रहते हैं, इसलिए वो मेडिकल चेकअप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इनके लिए एक अच्छा अवसर है कि यहाँ आके वो अपना आई चेक कर सके, BP चेक कर सके, ECG की सुविधा है यहाँ पर, तो और भी कुछ टेस्ट है यहाँ पे। बहुत सालों से ये प्रोग्राम होते आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसको। सड़क सुरक्षा अभियान को सपोर्ट कर रहे नवी मुंबई रिटेल केमिस्ट और होलसेल एसोसिएशन के महासचिव सुनील छाजेड़ और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के सेक्रेटरी विजय तमाणे ने जागरूकता कार्यक्रम में सहभागी होने पर संतुष्टि जताई और नवी मुंबई पुलिस के उपक्रमों की सराहना की। स्थानीय नगर सेविका शुभांगी पाटिल ने भी आयोजन को दुर्घटना से रोकने में कारगर बताया। रस्ता सुरक्षा तर्फे आयोजित केला आहे, आयुक्ताला तर्फे अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम, सुप्त असा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। इथे आयुक्तालय तर्फे आणि नवी मुंबई केमिस्ट तर्फे आरोग्य शिबिर केलेला आहे। तर आरोग्य शिबिरात विविध आई चेकअप असू दे, मग ECG असू दे, अशा विविध रोगांवर तज्ज्ञ असे डॉक्टर बोलवलेले आहेत। आणि वर्षभरात आपण बघतो की आपले वाहतूक पोलीस कर्मचारी आपली काळजी घेत असतात, ते ऊन असू दे, पाऊस असू दे, कुठल्याही परिस्थितीत तिथं रस्त्यात वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आपल्यासाठी 24 तास उभे असतात।
त्यांची काळजी घेण्यासाठी आज हा कार्यक्रम इथे शिबिर लावलेला आहे. आम्ही एक नागरिकांना ह्या कार्यक्रमाच्या द्वारे आवाहन करू इच्छिते की नवी मुंबई आयुक्तालय आणि आपण हे कार्यक्रम आपण फक्त राबवत असतो, पण ह्या कार्यक्रमात जे वाहतुकीच्या पालनाचे नियम जे सांगितले असतात ते नियम लोकांनी पाळावेत, आणि ते पाळल्यामुळे आपण बरेचसे ॲक्सिडेंट होण्याचं टाळू शकतो. म्हणून हे नियम पाळावे इतकंच विनंती करते ह्या नवी मुंबईच्या नागरिकांना. आमच्या या संघटनेचा एकच उद्देश आहे की सामाजिक कार्य जास्तीत जास्त कसं आमच्या या संघटनेच्या मार्फत होईल, त्या निमित्ताने आम्ही ह्या पोलीस आयुक्तालयामध्ये 22 वर्ष सलग आम्ही ह्या डिपार्टमेंटबरोबर काम करून मोफत सगळ्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत असतो. याच्यातून एकच उद्देश आहे की जे काही रिक्षा चालक आहेत, टेम्पो चालक आहेत, मुंबईमध्ये जेवढे वाहतूक विभाग आहेत, त्या प्रत्येकाच्या हातून जी वाहतूक होते ती सुरळीत व्हावी, आणि जे काही पुढील योग्य कार्य आमच्या संघटनेमार्फत त्यांना ऑपरेशन करायचं असेल, नेत्रचिकित्सा शिबिर करायचं असेल, तर आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत मोफत करतो. असे आम्ही आतापर्यंत जेवढे आदिवासी गावं आम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम केलेत त्या लोकांचे मोफत ऑपरेशन त्यांना घेऊन जाऊन आणून परत सोडलं ऑपरेशनमध्ये जाऊन, आणि हे सगळं ट्रीटमेंट आम्ही मोफत आजपर्यंत केलेले आहे. मैं सबसे पहले नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये संधि दी है कि एक समाज की सेवा करने के लिए. आज हमने यहाँ पर नवी मुंबई रिटेल केमिस्ट एंड होलसेल एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन और महावीर इंटरनेशनल तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक मुफ्त में कैंप रखा है जिसमें आँखों की जाँच होगी. अगर किसी का कैटरेक ऑपरेशन है तो उसका ऑपरेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे. चश्मे रखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर बीपी की मशीन रखी हुई है, यहाँ पर ECG है, बहुत सारी सुविधाएं दी है कि जिसकी जहाँ बाहर अगर कोई आदमी ये काम करने जाए तो उसको 4,000 रुपये तक का खर्चा आता है, जो ये आज मुफ्त में मिलने वाला है. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.